जुडिशियल सर्विस और LLB समस्त एग्जाम से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस के जजमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। हाय फ्रेंड, दिस इज आसिम फ्रॉम लॉ फैकल्टी डू यू। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अ लैंडमार्क केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ व्हिच इज मेंशन इन आवर केस मैट। केस का नाम है गोविंद लाल वर्सेस APM कमेटी। ये 1976 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे बेस्ड है, जिसका संबंध पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस इन गुजराती न्यूज़पेपर अलॉन्ग विथ द ऑफिशियल गजट से है। तब इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस का फैक्ट ये होता है कि गोधरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के एक इंस्पेक्टर के द्वारा अपीलेंट गोविंद लाल पटेल के अगेंस्ट में एक कंप्लेन फाइल किया जाता है कि उन्होंने 1969 में जनवरी और फरवरी महीने के दौरान अदरक की खरीद बिक्री की है बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए। इंस्पेक्टर का कहना यह होता है कि सरकार ने गुजरात एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1964 के सेक्शन 6 क्लॉज 5 के तहत ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि कृषि उत्पादों के अतिरिक्त वैरायटी जिसमें अदरक प्याज आते हैं उसके खरीद बिक्री के लिए भी है ना लाइसेंस प्राप्त करना ज़रूरी होगा। लेकिन जो अपीलेंट होते हैं गोविंद लाल पटेल वो बिना लाइसेंस के ही इसकी खरीद बिक्री करते हैं, तो अपीलेंट गोविंद लाल पटेल ने इस प्रोविज़न का उल्लंघन किया है, यानी कि इस प्रोविज़न को वायलेट किया है। तो दूसरी तरफ अपीलेंट गोविंद लाल पटेल का ये कंटेंशन होता है कि अदरक की खरीद बिक्री करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का जो नोटिफिकेशन आया था वो सिर्फ ऑफिशियल गजट में ही आया था, जबकि गुजरात एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1964 में ये प्रोविज़न किया गया था कि अगर इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन सरकार इशू करती है तो वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ गुजराती न्यूज़पेपर में भी वो नोटिफिकेशन जो है वो प्रकाशित की जाएगी। लेकिन चूँकि सरकार ने इस नोटिफिकेशन को गुजराती न्यूज़पेपर में प्रकाशित नहीं की है, इसलिए अपीलेंट गोविंद लाल पटेल का ये कंटेंशन होता है कि उसे इसके वायलेशन के लिए पेनलाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने जो गुजरात एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1964 का जो प्रोविज़न था उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया है। तो अब इस केस का इशू ये होता है कि क्या यह ज़रूरी था कि गुजराती अखबार में सरकारी गजट के साथ यह अधिसूचना प्रकाशित की जाए या ना की जाए। इस केस का इशू यही है। तब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले गुजरात एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1964 के सेक्शन 6 को ऑब्जर्व करती है, जिसमें यह कहा गया था कि इस एक्ट के द्वारा जारी किया गया कोई भी नोटिफिकेशन जो होगा उसे गुजराती अखबार में भी प्रकाशित किया जाएगा। कोर्ट कहती है कि जब भी हम किसी एक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले लेजिस्लेचर के इंटेंशन को देखते हैं कि आखिर लेजिस्लेचर ने किस इंटेंशन के साथ उस एक्ट को पास किया है। कोर्ट कहती है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा इशू किया जाता है तो ये ज़रूरी है कि उस नोटिफिकेशन का उचित प्रचार और प्रसार हो सके। इस केस में अगर देखा जाए तो ये जो नोटिफिकेशन था वो किसानों और व्यापारियों के लिए था, तो ये ज़रूरी है कि इस नोटिफिकेशन की पहुंच जो है वो किसानों और व्यापारियों तक हो सके। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि किसान और व्यापारी जिस माध्यम से नोटिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं उस माध्यम से आप वहाँ पहुँचाइए ना, क्योंकि अगर आप किसी भी नोटिफिकेशन को सरकारी गजट में यानी कि ऑफिशियल गजट में प्रकाशित कीजिएगा और उसी नोटिफिकेशन को अगर आप वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में अगर प्रकाशित करते हैं, यहाँ वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोकल न्यूज़पेपर जो है वो गुजराती न्यूज़पेपर है, तो लोगों का जो मतलब कि लोगों का जो अट्रैक्शन होता है वो लोकल न्यूज़पेपर में ज़्यादा होता है, यानी कि लोग जो होते हैं वो लोकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना कि ऑफिशियल गजट पढ़ते हैं। तो लेजिस्लेचर का ये इंटेंशन रहता है कि अधिक से अधिक लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, तो चूंकि यहाँ के जो लोग थे मैक्सिमम लोग गुजराती थे इसलिए लेजिस्लेचर ने जानबूझकर के ये प्रोविज़न डाला कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर इशू किया जाएगा तो उस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल गजट के साथ साथ गुजराती न्यूज़पेपर में भी इशू किया जाएगा। तो चूंकि वर्तमान केस में सरकार ने अदरक से रिलेटेड जो लाइसेंस प्राप्त करने का नोटिफिकेशन था वो सिर्फ ऑफिशियल गजट में ही प्रकाशित किया, गुजराती न्यूज़पेपर में प्रकाशित नहीं किया, इसलिए इस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट इम्प्रॉपर मानती है और गोविंद लाल पटेल का जो कंटेंशन होता है उस कंटेंशन को एक्सेप्ट करती है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये अपना जजमेंट सुनाती है कि ये जो नोटिफिकेशन था जो अदरक के खरीद बिक्री से रिलेटेड जो लाइसेंस प्राप्त करने का नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल गजट के साथ साथ गुजराती न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना ज़रूरी था। तो अगले स्लाइड में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।